कंट्रोल जे करके एक प्लेयर ले चुका है, मैं गार्डियंस में जाने वाला हूँ और देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे गार्डियंस ओपन हो चुका है। सो मैं इसमें सिंपली जाके लीनियंस लेने वाला हूँ गार्डियंस में। सो इसमें अभी हम लोग कलर चूज करने वाले, सैंपल लेना है, सिर्फ आपको बैकग्राउंड से ही सनलाइट का सैंपल लेना है। देख लीजिए मैं कैसे सैंपल ले रहा हूँ। देन सैंपल अच्छे से चूज कर लेना, आप लोग को जैसा पसंद लगता है व्हाइट भी रख सकते हैं सनलाइट। ठीक है, व्हाइट वाला मैं दिखाने वाला हूँ दूसरा पिक्चर में, तो आप लोग ऐसे ड्रैग कर डाउन करके इसको अपर डाउन कर सकते हैं। फिर आपको अगर एडजस्ट करना है तो रिवर्स भी कर सकते हैं, रिवर्स करने के बाद सिर्फ ऑपोनेंट होता है, जैसे गाड़ी बैक जाता है वैसे। सो फिर से आप लोग सैंपल लेके कुछ भी डाल सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको सिर्फ कैसे करना है बोल के। देख सकते हैं अभी ग्रेडियंस डालने के बाद अच्छा दिख रहा है। ग्रेडियंस में भी बहुत तरह का ब्रश परफेक्ट, तो ब्रश भी यूज कर सकते हैं, ब्रश से भी अच्छा ही होता है, लेकिन ये सिंपल रहता है। ब्रश में कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, फिर ऐड करना पड़ता है। इसके लिए मैं थोड़ा इजी वे से दिखाने वाला हूँ। इसके लिए आप लोग आर्ट ब्रश करते हुए यहाँ पे सैंपल भी ले सकते हो। ठीक है, हो गया, ये फाइनल पिक्चर हो गया है। सो अभी देख लीजिए मैं ऑफ करके दिखा रहा हूँ आप लोग को, ग्रेडियंस ऑफ करके बिफोर आफ्टर देख लिया आप लोग। मिले दूसरा पिक्चर में जाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, हम लोग कैमरा रॉ में जाने वाले, न्यू फोल्डर में फिल्टर में जाने वाले, कैमरा रॉ फिल्टर में जाने वाले। उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल वे है, टू स्टेप, जस्ट टू स्टेप है। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है और इसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस जैसा टेक्सचर रहता है उसको थोड़ा सा कम करना है। देख लीजिए मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ क्योंकि इसमें लो कलर थोड़ा लो रहना है, और आप लोग देख सकते हैं टेम्परेचर थोड़ा हाई कर देने से क्या होता है, जिधर व्हाइट एरिया है उसमें फोकस जाता है और टेम्परेचर ऑन होने के बाद सनलाइट इफेक्ट दिखाई देता है। देख लीजिए अभी हो चुका है। इसमें आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कलर ऐड कर सकते हैं, एवरेज ऐड कर सकते हैं, इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, कुछ भी। सो ये भी कंप्लीट हो चुका है, मैं इजी वे से दिखा रहा हूँ। इसके लिए देख लीजिए बिफोर आफ्टर मैं आप लोग को लेवर ऑफ करके दिखाने वाला हूँ। देख लीजिए बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बिफोर एडिटिंग, बिफोर आफ्टर। सो सेम है, दूसरा तरीका जाने वाला है, सेम हम लोग ब्रश यूज करते हैं लेकिन मैं ग्रेडियंस में ब्रश यूज करके दिखाने वाला हूँ। एडजस्टमेंट ग्रेडियंस लीनियस लिया था, अभी हम लोग लीनियस नहीं लेंगे, रेडियल्स ग्रेडियंस में जाएंगे। उसके बाद देख लीजिए अभी कलर जो डिफॉल्ट कलर है वही आ गया, तो हम लोग फिर से सैंपल यूज करना है। उसमें जाके हम लोग नीचे ग्रेडियंस दिखाई दे रहे हैं, उसमें डबल क्लिक करने के बाद सैंपल ले लीजिए। बैकग्राउंड से कुछ भी करिए, आप लोग बैकग्राउंड से ही सैंपल ले लोगे तो पिक्चर बहुत अच्छा दिखता है। तो मैं व्हाइट में सैंपल ले रहा हूँ और इसको रिवर्स कर रहा हूँ। रिवर्स करेंगे तो आप लोग ठीक ऑपोनेंट भी होता है, और जस्ट लाइक मैं अभी किया रे वो रे ग्रेडियंस ऊपर से नीचे डाला वैसा ही होता है। सो अभी थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, आप लोग कहाँ पे रखना चाहते हैं रख लीजिए। उसके बाद अपासिटी चेक कर लीजिए एक बार, अपासिटी नहीं रहता है इसमें, स्केल रहता है। स्केल आप लोग देख लीजिए, घट बढ़ा रहे हो तो पूरा ढक रहा है, इसके लिए स्केल थोड़ा सा देख के एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि राउंड सर्कल रहता है वो हम लोग बढ़ जाता है, जैसे 360 डिग्री रहता है उसमें ही वो कन्वर्ट होता है। सो देख लीजिए मैं इसमें थोड़ा कम ही ले रहा हूँ, 140 तक रख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि 360 डिग्री रहता है उसमें से हम लोग को चूज करना है। अगर आप फुल कर दोगे तो पूरा ब्राइट हो जाएगा। सो इतना ही ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जाके फिर से सेम मैं थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ इसमें, अभी न्यू आर्ट प्रेस करते हुए लेयर को खींचना है, आर्ट प्रेस करते हुए, आर्ट को होल्ड करते हुए। देन और ये राइट वाला पॉइंट दिख रहा है उसमें से थोड़ा सा स्लाइड करना है आप लोग को, बैक साइड या फिर अपर साइड कोई भी स्लाइड कर सकते हैं जस्ट एडजस्ट करने के लिए। देख रहे हैं मैं एडजस्ट कर लिया, थोड़ा एडजस्ट कर लिया, मेरे को जैसा पिक्चर लग रहा है अच्छा लग रहा है वैसे ही एडजस्ट कर लिया। देख लीजिए बिफोर आफ्टर। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक और कमेंट। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।